हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टीवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के एक शहर मसूरी के बारे में और वहाँ के घूमने के फेमस प्लेसेस के बारे में। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक बहुत ही फेमस घूमने की जगह जिसे ऋषिकेश कहते हैं। दोस्तों, ये उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर हरिद्वार के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर और राजधानी देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे तीर्थ नगरी के रूप में भी जाना जाता है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषियों और मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना किया था। दोस्तों, साल 2015 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश घूमने जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में टॉप फेमस टूरिस्ट प्लेसेस बता रही हूँ ऋषिकेश की, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला है लक्ष्मण झूला। दोस्तों, लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों में से लक्ष्मण झूला लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था, जहां अब पुल लोगों के देखने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1929 में किया गया था। लक्ष्मण झूला के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों में 13 मंजिल मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और राम झूला आदि शामिल है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट है त्रिवेणी घाट। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी घाट किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब आप ऋषिकेश घूमने आए तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर ले और नदी में तैरते दीपकों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट है विशिष्ट गुफा। दोस्तों, विशिष्ट गुफा एक प्राचीन गुफा है, जहाँ भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र ऋषि विशिष्ट ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें मरने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला किया। दोस्तों, गुफा में एक शिवलिंग भी है और इसे पुरुषोत्मानंद सोसाइटी द्वारा रखा गया है। इस प्राचीन गुफा को देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट है राफ्टिंग। अगर आपको एडवेंचरस पसंद है और आप कुछ हटकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ का एक्सपीरियंस लेने आते हैं। यहाँ कुछ सर्टिफाइड ऑपरेटर है जो राफ्टिंग के लिए अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, और ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए अनुकूलित पैकेज भी है। यदि आप स्ट्रेस फ्री आउटिंग करना चाहते हैं तो आपके भोजन, पानी और राफ्टिंग की व्यवस्था वहीं पे की जाती है। तो अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो राफ्टिंग ज़रूर करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप वहाँ जाकर। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर सिल्वन वन के बीच 1670 मीटर में स्थित है। दोस्तों, ये भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। ये ऋषिकेश में भी देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर समुद्र मंथन की
गाथा को दर्शाता है। मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर में पूजा कर सकते हैं। सो दोस्तों अब नेक्स्ट है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का तालाब है जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुंड में स्नान किया था और इस स्थान पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती है। इस तालाब में स्नान करना अपने आप में ही काफी सुकून भरा होता है। यही कारण है कि ऋषिकेश आने वाले लोगों को ऋषिकुंड में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।